हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय इतिहास का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री का, तो इसका संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। जो आपका 15 अप्रैल को जो पेपर होने जा रहा है, तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो पूरा कवरेज जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको इस पेपर का संपूर्ण सोल्यूशन बताया थी, साथ ही आपके सही विकल्प रिक्त स्थान संपूर्ण सोल्यूशन भी। तो आपका पेपर इस प्रकार से आने वाला, जो आप देख सकते हो, तो इस प्रकार से रहेगा। तो चलिए शुरू कर दें। तो सब प्रथम रहेंगे बच्चों आपके सामने सही विकल्प, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। ठीक, तो पहला जो प्रश्न देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर लगा है, विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो क्या कराया था? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हम्मुराबी ने। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न लगा आप लोग सामने, जूलियस सीजर किस देश के शासक थे? जो जूलियस सीजर थे, तो किस देश के शासक थे? तो रोम देश के शासक थे, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा लगा, रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, जो रोमन साम्राज्य थे, तो उसकी राज्य भाषा क्या था? तो उसकी राज्य की भाषा थी लैटिन, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा लगा, मंगोलों का सर्वप्रथम किसने संगठित किया? जो मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था? तो एक किया था आपका हो जाएगा यहाँ पर इस पर चंगेल खान, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए पांच में लगा, हरकाला पद्धति क्या थी? जो हरकाला पद्धति थी वो क्या थी? तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूचनाओं के आदान प्रदान की पद्धति। ठीक, चलिए छठवां देख लेते हैं, सतवर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया? जो सतवर्षीय युद्ध हुआ था, तो वो किन देशों के मध्य लड़ा गया? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सही विकल्प मैंने कम्प्लीट करा दिए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग रिक्त स्थान पूर्ति कर दिए। चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो, आप लोग सब से कर सकें। ठीक, चलिए जैसे कि ये पहला लगा आप लोग सामने, कुम्हार के चाक का प्रयोग सभ्यतम में किया गया है, तो अब उसमें लिखोगे दूसरे, पहले कहाँ से लिखोगे? मेसोपोटामिया। ठीक, तो दूसरा लगा आप लोग सामने, आधुनिक इराक को प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। जो आधुनिक इराक है, उसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना था? तो इसमें भी हो जाएगा मेसोपोटामिया। ठीक, तीसरा लगा, सम्राट खालिस्तान ने ईसाई धर्म के रूम को राज्य धर्म घोषित किया, तो इसमें लिखोगे थियोडोसियस। ठीक, थियोडोसियस। चौथा लगा, मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को कहा जाता है? तो तुमन कहा जाता है, नहीं तुमन लिख दोगे। पांचवा लगा, सामंतरों का निवास स्थल कहलाता है? तो इसमें लिखोगे मैनर। ठीक, छठवां लगा, फ्रैंक नामक जनजाति मूलतः देश की थी, तो कौन देश की थी? तो हो जाए जर्मनी देश की। फिर लगा, मृत्यु सहितो जापान के राज सिंहासन पर वर्ष में आसीन हुआ, तो कौन से वर्ष में हुआ? तो 1867 ईस्वी में। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थान पूरी कंप्लीट हो जाती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए आप लोग देख लीजिए इस प्रकार से भरना पूरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट रहेंगे आप लोग सामने सही जोड़ियाँ, जिनको हम अच्छी तरह से करेंगे। चलिए जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने सही जोड़ी है तस्मान, तो तस्मान की आप लोग मिलाओगे इस प्रकार से, तस्मान की मिलाओगे आप लोग चौथी वाली से, तस्मनिया से। ठीक, तो पहले की मिलाओगे आप लोग चौथी वाली से। दूसरा लगा, जेम्स कुक, तो दूसरे की मिलाओगे दूसरे, यानी कि दूसरे की जेम्स कुक की दूसरे से मिला देंगे। तीसरा लगा, कनगावा संधि, तो कनगावा संधि तीसरे की मिलाओगे आप लोग पहले वाले से। ठीक, कनगा इससे। ठीक, चलो लगा, चीन में गणतंत्र दिवस की स्थापना, यानी चौथे को मिलाओगे पाँचवें वाले से, तो पाँचवें वाला इस तरफ दिया गया है। तो पांच वाला हो जाएगा इस तरफ, तो पांच वाले को मिला होगा इस वाले से, चौथे को मिला होगा पांच वाले से, यानी कि इस 1982। ठीक, फिर आप लोग सामने पाँचवा, पाँच मार्क लिखोगे आप लोग कहाँ पर? चौथा होगा पाँचवा, हाँ पाँचवीं का, पाँचवीं का लिखो जापान में सोगुरु सत्ता। ठीक, तो इसका मिला दूंगा आप लोग पाँचवीं का मिला होगा आप लोग किससे? एक मैं बच्चों थोड़ा मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके दिखा दूँ, ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो। पाँचवीं का मिला को मैनर से, यानी मैनर आपका इस तरफ दिया गया है। हाँ जी, पाँचवें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर तीस वाला। इस प्रकार से पढ़ते नेक्स्ट, छठवें का हो जाएगा आपका छठवें से, तो इसका इससे, तो इस प्रकार से आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द वाक्यांश, तो हम एक शब्द वाक्यांश भी कंप्लीट करते हैं, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो पहला लगा लो आप लोग सामने यहाँ पर, मैं आंसर भी दिखाऊंगा। पहला लगा, मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर हो जाए, पहले का आंसर लिखोगे कृषि। ठीक, दूसरा लगा आप लोग सामने, मठों में निवास करने वाली भिक्षुणियों को क्या कहते थे? दूसरे को हम नन कहते थे, क्या कर लोगे? नन। तीसरे लगा, मेकियावेली द्वारा किसी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए, तो एक प्रसिद्ध का नाम हो जाएगा दी प्रिंस। ठीक, एक प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगी। चौथा लगा, पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया? तो ये बनाया था गेयर हार्स मार्केटर ने। ठीक, पाँचवा लगा आप लोग सामने, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो लोगों कैप्टन जेम्स बुक ने। ठीक, कैप्टन जेम्स बुक ने। होपी किस प्रकार का समुदाय है? तो आलू आदिवासी समुदाय। साथ में एशिया में ओलंपिक खेल पहली बार किस शहर में आयोजित की गई? तो टोक्यो में की गई। ठीक, कहाँ पर? टोक्यो में। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने सतासत, तो सतासत भी हम आपको सामने करेंगे।
जैसे कि पहला लिखा था सामने, मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्र पर लिखा करते थे, तो ये आपका पहले का हो जाएगा असत। दूसरा लिखा जूलियस सीजर यूनान का महाशासक था, तो ये भी असत हो जाएगा। मंगोल सरदारों की परिषद को कुलिलताई के नाम से जाना जाता है, तीसरा हो जाएगा सत। चौथा मध्यकालीन यूरोप की सबसे प्रमुख विशेषता समांतरपाद है, तो हो जाएगा सत। उगते हुए सूर्य का देश का नाम जापान को कहा जाता है, तो सत हो जाएगा। स्वयंगुल चीन का शासक था, तो यह सत हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से भी कम्प्लीट हो जाते हैं। चलिए चलिए मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके आपको क्या सर्च करना है, एमपी बोर्ड क्लास 11। जैसे आपको फिजिक्स का करना तो फिजिक्स सर्च करना, जैसे अगर आपको पशुपालन का करना तो यहाँ पशुपालन लिख देना, अगर अर्थशास्त्र करना तो अर्थशास्त्र लिख देना। अभी मैं फिजिक्स का करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर 2023, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फिजिक्स का, यहाँ पर सर्च करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा मैं नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखिएगा भौतिक शास्त्र, ठीक है। आपको क्या देखना है, स्टडी नोट्स पीजे डॉट कॉम ही देखना है आपको, ठीक है। इसमें पीछे का लोगो लगा होगा पीले कलर का, स्टडी नोट्स पीजे डॉट कॉम लिखा होगा, और यहाँ पर लिखा भी है सेट ए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिएगा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर देखिए फिजिक्स का डला हुआ है, ठीक है। असली पेपर है और फिजिक्स का ये डला हुआ है, और जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन डला हुआ है। जैसे आप सॉल्यूशन के बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होगा कि अदर जो जैसे पशुपालन हो गया या फिजिक्स के और जो सेट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो होम पे दबाना। होम पे दबाने के बाद एमबी बोर्ड क्लास 9th 11th पे दबाना, तो यहाँ पे देखना वायरल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हल करने के लिए यहाँ पे देखिए। तो आप देखिए कक्षा 11वीं के हमें सब्जेक्ट पे ढूंढना है, जैसे कि अर्थशास्त्र दिया गया तो सेट ए का अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन है, भौतिक विज्ञान का सेट ए और बी का है, तो आपको अपडेट होते जाएंगे यहीं पे, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहीं पे आपको यहाँ पे पशुपालन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आपको प्रश्न जो दो दो नंबर दिए गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों के आंसर भी हमारे पास में दिए गए हैं, जिसको हम पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। चलिए तो पहले इस बाबू प्रश्नों के आंसर देख लीजिए। प्रश्न के बाबू पहले इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग अपनी बुक के माध्यम से इन प्रश्नों का आंसर पढ़ लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी। वो आंसर देखोगे तो मेरे पास ये आंसर भी है, लेकिन इसमें आपको साफ नहीं देगा देखेगा, इसलिए मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा, ठीक। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना वो भी मैं बताऊंगा, ठीक। चलिए ये हो गया है। तो दूसरा आप लोग सामने नौवां प्रश्न, जो भी दो दो नंबर है, 9 से 12 तक की आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन प्रश्नों को आप लोग अपनी बुक से रिवीजन कर लीजिए। पीडीएफ दूंगा तो उस पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो। 13 से आपके 16 तक के प्रश्न हो जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से यहाँ से 3 नंबर के लग जाएंगे, फिर आपके सामने 3-3 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे, ठीक। तो 20 तक की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक, और फिर आप लोग सामने आ जाते हैं 21, 22, 23। 23 में प्रश्न में आपको 4-4 नंबर के रहेंगे, 21 से 20 से। तो 23 में आपके सामने एक चित्र दिया जाएगा, जिसमें आप लोग सामने मानचित्र दर्शाना है। तो इस प्रकार से हमारे पास में पूरे आंसर भी दिए गए हैं, जो आप लोग देख सकते हो, सारे आंसर हमारे पास, ठीक। इन आंसर के मैं आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो, मानचित्र हमारे पास और नाम भी दिए गए हैं, ठीक। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मानचित्र, नाम भी दिए गए हैं। तो इन सभी के आंसर मैं आप लोग को देने वाला हूँ। किस प्रकार से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं तो मैं वहाँ पर नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट पीजिए डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं इसके आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।